नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, 16 अगस्त 2023 दिन बुधवार, साल की सबसे बड़ी अमावस्या, अधिक मास सावन अमावस्या। इस दिन भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से बना दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग काल सर्प योग। 12 राशियों में से 6 राशियां होंगी करोड़पति माला माल। यूं कहें कि अब भगवान शनिदेव की कृपा से 12 राशियों में से 6 राशि वालों को 16 अगस्त यानी कि अधिक मास सावन अमावस्या के दिन स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते करोड़पति बनने से, मालामाल बनने से। अब भगवान शनिदेव स्वयं इन 6 राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर करने वाले हैं और इन 6 राशि वालों के जीवन में भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे अब ये 6 राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, ये राशियां कौन कौन सी है जो भगवान शनिदेव की कृपा से 16 अगस्त अधिक मास श्रावण अमावस्या के दिन करोड़पति बनने वाली है, धन से मालामाल बनने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो 6 राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान शनिदेव की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन बेहद खास माना जाता है। इस दिन स्नान दान पूजा पाठ में तर्पण आदि करना लाभकारी माना गया है। इस दिन अधिक मास के दिन, इस बार यानी 16 अगस्त को अधिक मास के दिन बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, काल सर्प योग बन रहा है, जिसमें भगवान शनिदेव की कृपा 12 राशियों में से 6 राशि वालों पर पड़ चुकी है। आपको बता दें, वैसे तो ये सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव को समर्पित है, परंतु इस दिन भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर पड़ चुकी है। अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि बेहद ही खास मानी जाती है। इस बार दरअसल अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि 3 साल में एक बार ही आती है। मान्यता है, इस दिन जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करता है, अपने पूर्वजों की आत्मा तृप्त करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए अन्न धन वस्त्र जो भी दान करते हैं, ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर उन्हें वंश वृद्धि का आशीष देते हैं और समस्त संकटों से उनको मुक्ति मिल जाती है और परिवार में खुशियां ही खुशियां आती है। आपको बताना चाहेंगे, इस दिन आप अमावस्या के दिन में अधिक मास श्रावण अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं, शुभ माना जाता है। शनिदेव के मंत्रों का करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, धन समृद्धि का आशीष देते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जरूर प्रज्वलित करें। अधिक मास सावन अमावस्या के दिन लाभ मिलेगा। वैसे तो सुबह जल्दी उठकर, अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी या फिर सरोवर में स्नान करना अधिक महत्व होता है, लेकिन अगर संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान के बराबर का फल प्राप्त होगा। इसके बाद आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें, सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में आपको दीप प्रज्वलित करना है। इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान धर्म के कार्य करें, तर्पण करें, दान करें, लाभ होगा। संभव हो उस दिन उपवास भी रखें।
भगवान का ध्यान करें। इस दिन भगवान हरि विष्णु की भी पूजा का विशेष महत्व है। विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और विधि विधान से शंकर भगवान और माता पार्वती की भी पूजा करें। यदि कोई विशेष मनोकामना है आपकी पूर्ण होगी। वैसे तो आपको अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। शनिदेव की कृपा आप पर हो जाए तो समझ लेना पितृ दोष से समस्त दोष सभी दोषों से छुटकारा मिल जाता है। तो भगवान शनिदेव की भी आपको आराधना अधिक से अधिक करनी चाहिए। इस दिन उनके मंत्रों का जाप करना, इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और दोस्तों अब बात करें भाग्यशाली राशियों की, जो कि भगवान शनिदेव की कृपा से इस दिन करोड़पति बनने वाली हैं, माला माल बनने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिन्हें स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते हैं माला माल बनने से, करोड़पति बनने से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदू धर्म में काफ़ी सारे देवी देवताओं की मान्यता है। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम शनिदेव का भी आता है। भगवान शनिदेव सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और भगवान शनिदेव अनुचित कार्य करने वालों को समय आने पर दंड भी देते हैं। शनिदेव सूर्यपुत्र और कर्म फल के दाता माने जाते हैं। आपको बता दें कि मोक्ष को प्रदान करने वाले एकमात्र भगवान शनिदेव ही हैं। शनिदेव को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर घबराहट होती है, लेकिन सच बात तो ये है कि शनिदेव प्रकृति में संतुलन बनाकर रखते हैं और ये सभी प्राणियों के साथ उचित न्याय करते हैं। शनिदेव की कृपा जिस इंसान पर हो जाती है उस पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शनिदेव उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें अब भगवान शनिदेव की कृपा 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाली है। इन राशि वालों पर भगवान शनिदेव बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं। अब इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें भगवान शनिदेव अब इन राशि वालों पर अपनी अत्यधिक कृपा बरसाने वाले हैं। दोस्तों इस प्रभाव में इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है अपार खुशियां ही खुशियां। दोस्तों आपको बता दें भगवान शनिदेव की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान शनिदेव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। दोस्तों जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शनिदेव की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहली राशि आती है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दे कि आपके ऊपर भगवान शनिदेव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ प्राप्ति होने की संभावना है। आपको बता दें इस राशि के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर
बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जो अगली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शनिदेव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है। भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, जिसकी वजह से समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी। आपको बता दें भगवान शनिदेव की कृपा से आपको अब सफलता के नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें जो भी आपके रुके कार्य थे वे अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें कि जो भी कार्य है आप शुरू करना चाहते हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से मेष राशि वालों आपके आय के साधनों में वृद्धि होगी। दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, साथ ही साथ आपके कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ प्राप्ति आपकी राशि में संभव है। साथ ही साथ यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। शनिदेव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। समय अब आपकी पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं। समय को अपने हाथ से ना जाने दें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दें अब भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द को ही शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। दोस्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा। आपको बता दें भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आपके रुके हुए कार्य अब सफलतापूर्वक बनेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है। आपको परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भगवान शनिदेव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वे सभी परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही साथ जो भी कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे कार्य अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें भगवान शनिदेव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं की अब झंडे गाड़ेंगे। दुनिया आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों को बता दें भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, केवल आपको धन लाभ बल्कि आपके व्यापार में भी खूब वृद्धि होगी। इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग हैं। साथ ही साथ जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरा होने के योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा कन्या राशि वालों आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में अधिक मुनाफा होगा।
होगा। धन लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर कन्या राशि वालों अब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी और साथ ही साथ उनके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। साथ ही साथ आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वो योजना भी इनकी अवश्य ही सफल होगी। भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है। आपके समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान शनिदेव अब आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है, जिससे कन्या राशि वालों आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से आपके लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपको बता दें, आपको न केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफ़ी तारीफ भी की जाएगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में ऐसे नए अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बन रही है, इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जब एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ व्यापार में वृद्धि होगी। सिंह राशि वालों, अब आपको चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बन रही है। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी पूरे योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा जिससे घर परिवार में खुशियां ही खुशियां होंगी। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से सिंह राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। कहना गलत नहीं होगा, सिंह राशि वालों, भगवान शनिदेव की आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है धनु राशि। बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आपकी मेहनत का अब आपको फल मिलने वाला है। आपको बता दें, जो आपने मेहनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको बता दें, आपके रुके हुए कार्य भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय पर पूरे होंगे। आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा साथ मिलेगा। आपको बता दें, आप लोगों के ऊपर भगवान शनिदेव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शनिदेव की कृपा से आपके धन संबंधित सभी जो परेशानियां थी वो सब दूर हो जाएंगी। आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। धन में खूब वृद्धि होगी। अनेक प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बन रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ वेतन वृद्धि के भी योग हैं। आपको बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से धनु राशि वालों, आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशियां ही खुशियां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की कृपा से ही आपके जीवन में अब खुशियों का भंडार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं। आपके जीवन में अब आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुंभ राशि वालों, अपने जो मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं वे कार्य अब सफलतापूर्वक पूर्ण होंगे और साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाभ मिलेगा। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा, उनको हर तरफ से अब लाभ ही लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों, अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग हैं। साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मनचाही नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें, यदि आपका कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्द ही वापस मिलेगा। साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी रुकावटें आ रही हैं वे रुकावटें खत्म होंगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। कुंभ राशि वालों, अब अपने जीवन में एक नई खुशी का एहसास करेंगे। भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर कुंभ राशि वालों बन रही है। समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में है, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से ना जाने दें। जी हाँ दोस्तों, अगली राशि आती है मिथुन राशि। दोस्तों मिथुन राशि वालों को बता दें, भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है। आपको आने वाले समय में अब नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, व्यापार में अचानक लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सभी अधूरे आर्थिक कार्य पूरे होंगे और परिवार में शांति व आनंद का वातावरण रहेगा। आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। भगवान शनिदेव की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे। व्यवसाय में अचानक लाभ होगा और इसमें धन लाभ प्राप्ति की भी आपको अनेकों योग बन रहे हैं। भगवान शनिदेव की कृपा से मिथुन राशि वालों, अब आपके जीवन में आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में होंगी खुशियां ही खुशियां। साथ ही साथ जो लोग नया वाहन या मकान खरीदने को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो ये योजना इनकी अवश्य ही सफल होने वाली है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख भी अवश्य मिलेगा। कहना गलत नहीं होगा, मिथुन राशि वालों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है। समय का भरपूर लाभ उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें। इन राशि वालों के जीवन में होगी अब खुशियां। दोस्तों भगवान शनिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय शनिदेव।